फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। आज हम आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि जब किसी भी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। व्हेनेवर चार्ज इज गिवन टू एनी मेटालिक सरफेस इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। इफ यू कंसिडर अ सेगमेंट ऑन द सरफेस देन द चार्ज ऑन दैट सेगमेंट एक्सपीरियंसेस रिपल्सिव फोर्स बिकॉज ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सरफेस। यदि इसके एक अल्पांश की बात करें तो अल्पांश पर जो आवेश होगा वो बचे हुए भाग के कारण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ये सभी अल्पांशों के लिए होगा। दिस इज सिमिलर फॉर ऑल द सेगमेंट्स। दैट इज वाई नेट फोर्स विल डेवलप ऑन द सर्फेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर दैट लेट अस कंसिडर टू पॉइंट्स आउटसाइड द सर्फेस एंड इनसाइड द सर्फेस एट इक्वल डिस्टेंसेस। बाहर और अंदर समान दूरियों पर हम दो बिंदु कंसिडर करते हैं और इनको नाम देते हैं पी वन और पी टू। एट पॉइंट पी वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई पी वन इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। वी नो दैट द एक्सप्रेशन इसको हम जानते हैं। इनसाइड द सरफेस एट पॉइंट पी टू ई पी टू इक्वल्स जीरो। एज नो चार्ज इज देयर इनसाइड द सरफेस फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। यहां कोई आवेश नहीं होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी, ये भी हम जानते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ लेट अस डिवाइड दिस होल सरफेस इन टू पार्ट्स लाइक दिस। ए बी विच इज अ सेगमेंट, ये एक अल्पांश है, एंड रिमेनिंग पार्ट इज ए सी ए बी, बचा हुआ भाग ए सी बी है। सेगमेंट की वजह से अल्पांश की वजह से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ईवन से व्यक्त करेंगे तथा बचे हुए भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई टू से व्यक्त करेंगे। ईवन विल एक्सप्रेस इंटेंसिटी ड्यू टू द सेगमेंट डी एस द सेगमेंट ए बी एट पॉइंट पी वन इट इज एक्टिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड एट पॉइंट पी टू इट इज acting along negative x direction. Due to remaining part, if intensity is denoted by E2, then outside at point P1, it is acting along positive x direction, but its direction will be again along positive x direction inside the surface. अंदर की ओर भी E2 की दिशा जो ACP के कारण है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही होगी। अतः इस डायग्राम को हम कंसिडर करें तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई पी वन इक्वल्स ई वन प्लस ई टू। एज बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देयर विल बी एडेड अप। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी कैन राइट sigma upon epsilon naught equals E1 plus E2. Let this is equation number 3. Now, at point P2, which is inside the surface, अंदर की ओर जो बिंदु है P2, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP2 equals E1 minus E2. As E1 and E2 both are acting opposite to each other, दोनों एक दूसरे के विपरीत है तथा समीकरण दो से हमें पता है कि EP2 equals zero. Putting this value over here, we can write from two, we can write zero equals E1 minus E2 or E1 equals to E2. On putting this value in equation number three, we can write E2 plus E2 equals sigma upon epsilon naught. Or 2E2 equals sigma upon epsilon naught or E2 equals sigma upon 2 epsilon naught. This is the expression for electric field intensity D
ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट ए सी बी, बचे हुए भाग के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अतः अल्पांश ए बी पर बल, therefore on the segment AB the force will be given df equals to field intensity into the charge on it. It is suppose that on this segment the charge is dq, is alpansh par jo aavesh hai wo dq hai, therefore putting the value of e2 we will have df equals sigma upon 2 epsilon naught dq. Since dq equals sigma into ds, charge equals to charge density, surface area density into surface area, आवेश बराबर आवेश घनत्व गुणित पृष्ठीय क्षेत्रफल, therefore we can write df equals sigma square upon 2 epsilon naught ds. This is the expression for the force acting on segment AB, अल्पांश AB पर लगने वाला बल है। सारी सतह पर निकाले तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अतः for whole surface, the net force F equals integration of sigma square upon 2 epsilon naught ds. Since E equals sigma upon epsilon naught, therefore sigma equals epsilon naught into E, therefore this expression can also be written as F equals integration of epsilon naught square E square upon 2 epsilon naught ds. This is cancelled out, or F equals integration of half epsilon naught E square ds. Now the force acting per unit surface area, ekank kshetrafal par lagne wala bal, that is called pressure, jise hum dab kehte hain, P equals to df upon ds. Therefore from here we can write sigma square upon 2 epsilon naught. In terms of this, this can be written as half epsilon naught E square. This is the expression for electric pressure acting on the charged surface. विद्युत दाब जो चालक की सतह पर लग रहा है उसके लिए ये सूत्र है। प्लीज नोट इट डाउन।